प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले बिरसा मुंडा संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह संग्रहालय झारखंड की राजधानी रांची में बनाया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, कहा कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार के बाद हरियाणा सरकार ने सभी स्कूल को बंद करने का फैसला किया। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में कई एक्टिविटीज पर बैन लगाया। प्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर नियम लागू किया, इसके बावजूद सोनीपत में खुलेआम कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने कई तरह की एक्टिविटीज को बंद करने के आदेश दिए, इसमें कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क भी पूरी तरह से 3 दिन के लिए बंद। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर हिदायतें जारी की हैं। 17 नवंबर तक सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद किए गए। गुरुग्राम के एमबीएस मॉल में यूटर्न पर प्रदूषण की धज्जियां उड़ती दिखी। मॉल के बाहर जनरेटर के धुएं से गुबार उठता हुआ नजर आया। पानीपत में पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश स्तरीय पेट्रोल पंप की हड़ताल का असर देखने को मिला। उपभोक्ताओं को पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से भारी परेशानी हुई। यमुनानगर में सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद रहे, इसकी वजह से आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोनीपत में तकनीकी खामियों की वजह से 3 दिन तक शुगर मिल बंद रहेगी। किसानों ने अपील की है कि जब तक शुगर मिल ठीक नहीं होती तब तक किसान शुगर मिल गन्ना नहीं लाए। यमुनानगर के महाश्वेत व्यास की कर्मस्थली बिलासपुर के पास लगने वाले प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय कपाल मोचन मेले की तैयारियां पूरी हो गई। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चरखी दादरी में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री किरण चौधरी और सांसद श्रुति चौधरी उपस्थित रहे। तो शाम विधायक किरण चौधरी भिवानी पहुंची, उन्होंने स्थानीय पार्क में लगे स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। किरण चौधरी ने कहा कि किसान आज आंदोलन करने पर मजबूर हैं, परेशान किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानी में लोहा मनवा चुके और देश के लिए अनेकों मेडल लाने वाले दादरी के 88 वर्षीय पहलवान सज्जन सिंह को ध्यानचंद लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त सेक्रेटरी पंजाब चंडीगढ़ से प्रभारी चेतन चौहान अंबाला पहुंचे हैं, जहां पर उनका युवा कांग्रेसियों ने स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स महिलाएं सड़कों पर उतरी, लघु सचिवालय के सामने रोष प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 2 मजदूरों के गंभीर हालत होने के कारण उनको रेफर कर दिया गया। फिलहाल 4 लोगों का सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम के कासन गांव में दिवाली के दिन पूर्व सरपंच के परिवार पर हुई फायरिंग के मामले में अब 4थी मौत हो गई। महेंद्रगढ़ जिले में शादी समारोह से लौट रहे एक परिवार के 4 लोगों की कार अचानक नहर में गिर गई। हादसे में एक महिला और 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। पंजाब में अफीम की खेती का समर्थन करने वाले नवजोत कौर सिद्धू हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान श्री बिरसा मुंडा की जयंती पर शत नमन किया। भिवानी का स्व प्रेरित आदर्श गांव सोई महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन को लेकर दुल्हन की तरह सजाकर तैयार किया गया।